तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मज़े में ही होंगे। और जो लॉकडाउन का अभी चल रहा है, हमारे पूरे इंडिया में लॉकडाउन है, तो उसका आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो करते होंगे, क्योंकि ये हमारे लिए ही है, ठीक है। और यहाँ पे हम भी बहुत ही सुरक्षित है और घर में ही है, ठीक है। तो मैं आज आपको ऐसे ट्रिक दिखाता हूँ कि अगर आपके पास कोई ड्रोन्स है, DJI हो गया या फिर कोई भी ड्रोन्स है, तो उसको मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए कुछ डिटेल्स को जानना ज़रूरी होता है, और वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो फिलहाल मेरे पास है DJI का स्पार्क ड्रोन है, और इसको मोबाइल से कनेक्ट करके उसको फ्लाई करना है। तो कैसे करना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मान लो कि आपके पास रिमोट कंट्रोल्स नहीं है, तो भी आप मोबाइल से उड़ाना चाहते हो, तो DJI स्पार्क जो ड्रोन्स है, स्पार्क सीरीज जो है, वो चल सकती है मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फ़ोन्स है उसके अंदर मैं कनेक्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। आप लोगों को भी इंस्टॉल कर लेना चाहिए, ये DJI गो प्रो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये जो एप्लीकेशन है वो स्पेशली DJI की है, और इसे हम ओपन करते हैं। अभी जैसे आप लोग ओपन करोगे तो साइन अप मांगेगा, ठीक है, क्योंकि साइन अप को तो करना ही पड़ता है। तो मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है, तो मेरा ऐसा इंटरफेस आ गया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ड्रोन्स दिए हुए आपको दिख रहा है। मेरा ड्रोन जो है वो DJI का स्पार्क है, तो यहाँ पे मैंने कर लिया है स्पार्क सिलेक्टेड, आपको दिख रहा है सेम टू सेम, ठीक है। अभी आपको क्या करना होगा, ड्रोन को ऑन करना होगा, और ऑन करने से पहले वाईफाई का जो पासवर्ड है वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो क्या करना है उसके लिए, ये जो ड्रोन्स है उसको पहले तो इस तरीके से बैटरी को निकालो, और बैटरी को जब भी आप निकालोगे तो यहाँ पे आपको उस कैप्चर कोड दिखेंगे, और यहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड नीचे लिखा हुआ है। देखो, ये एप्लीकेशंस का है कैप्चर QR कोड, और ये है वो वाईफाई का कोड है। ये स्कैनिंग के जरिए भी आप कोड ले सकते हैं, और नीचे जो साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये जो कोड है वो आपको ड्रोन तो ऑन करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, फ़ोटो खींच लो दूसरे फ़ोन से एक इमेज, ठीक है, फिर आप ड्रोन को ऑन कर दो। तो फिलहाल हम ड्रोन को ऑन कर देते हैं। ऑन करने के लिए आपको पता है ये फर्स्ट बार स्पेस करना है, फिर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। आवाज आ गई आपको, तो ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, देखा, ये स्टार्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, इसको मिनिमाइज करो और सीधे जाओ वाईफाई में, ठीक है। और वाईफाई में जाने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये जो स्पार्क नाम से आया ये उसका वाईफाई है, ठीक है। तो उसके पर टैप करो, और यहाँ पे जो भी पासवर्ड मैंने बताया अभी बैटरी खोल के नीचे, वो यहाँ पे डाल दो। तो मैं फटाफट ये डाल देता हूँ, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने जैसे ही कनेक्ट किया तो यहाँ पे उसकी जो लाइट जल रही थी रेड, वो ग्रीन में चेंज हो गई, कन्वर्ट हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सीधे जाना है हमारी एप्लीकेशंस में, और एप्लीकेशन में यहाँ पे अपडेट आया है, तो उसको मैं फ़िलहाल कैंसिल कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे गो टू फ्लाई, तो गो टू फ्लाई मैंने जैसे ही किया तो आप देख सकते हो ये ड्रोन कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे देखो, ये जो उसका कैमरा का व्यूज़ है वो आ चुका है, यहाँ पे पूरे कंट्रोल भी आ चुके हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो कंट्रोल है ये सब आ चुके हैं। और यहाँ से आप उसको कैमरा को भी चेंज कर सकते हो, देखो ये पहली बार हो रहा है तो सब बता रहा है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं फिर से बता रहा हूँ, कैमरा का व्यूज़ है, ठीक है। देखो इसमें सिस्टम सही, फोन को जैसे आप घुमाओगे कैमरा
ऐसे ही घूमने, थोड़ा फोकस करता हूँ। देखो ये मेरे हाथ में फ़ोन है, देखो मैं कैमरा ऊपर कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको, मतलब कि ये कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे ऐसा ऑप्शंस रहता है, ठीक है, इसको मैं अभी बंद कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फ्लाई करके नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यार अभी आप देख सकते हो बाहर जाना तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। मैंने आपको समझा दिया है और यहाँ पे दिखा भी दिया है। तो इस तरीके से आप जो है वो ड्रोन्स को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आई होप कि मैंने जो भी समझाया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो कोई टेंशन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक दी हुई है thesmartindia.in, वहाँ पे जाओ, आपको मैं यहाँ पे जो भी नहीं बता सकता हूँ वो सब डिटेल्स वहाँ पे दी हुई है, एक बार विजिट करो। और अपना ख्याल रखना और घर में ही रहना, ठीक है। अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।